अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको रिसीट वाउचर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना बताया था। उस वीडियो में महत्वपूर्ण बात ये थी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के तरीके को हमने सरल और विस्तृत रूप में बताया है, साथ ही टैली के फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस का भी उपयोग किया गया है और यही तरीका बाकी सभी वाउचर्स के लिए भी है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि रिसीट वाउचर की वीडियो को अवश्य देख लें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से पेमेंट वाउचर के बारे में बता देते हैं। जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। एक खास बात का ध्यान रखें, यदि आपने कैश परचेस से संबंधित कोई पेमेंट की है तो वो इस वाउचर में नहीं आएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टैली ने परचेस के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। ट्रांजैक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने पेमेंट वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस छांट लिए थे, उन्हें हम यहाँ पर फिर से बताएंगे और उनके आधार पर पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 2 जून को राम शर्मा को नकद 2000 रुपए उधार दिए। हमारा पहला सवाल होगा, इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं? तो ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ नकदी गई है तो ये हुआ 1 खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, नकदी किसको दी है? तो नकदी राम शर्मा को दी है, यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं नकदी और राम शर्मा। दूसरा सवाल है, खाते किस प्रकार के हैं? नकदी यानी कैश का खाता रियल अकाउंट है और राम शर्मा का खाता पर्सनल अकाउंट। तीसरा सवाल, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? राम शर्मा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाले को डेबिट करो। राम शर्मा को हमने रुपए उधार दिए हैं तो राम शर्मा हुआ पाने वाला, मतलब राम शर्मा का खाता डेबिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो कैश का है। कैश गया है, ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जाने वाली वस्तु के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर ली है। यदि आपको किसी निश्चित तारीख में बहुत से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना हो तो आप गेटवे ऑफ टैली से करंट डेट बदल सकते हैं। डेट के लिए F2 की प्रेस करें और आप जो तारीख चाहते हैं वो टाइप करें। जैसे हम 2 जून चाहते हैं तो यहाँ हमने टाइप किया 26 और एंटर प्रेस किया। देखिए करंट डेट 2 जून आ गई है। आइए अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ हमें ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वाउचर्स में जाना होगा और उसके लिए कीबोर्ड पर V की प्रेस करेंगे। संभवतया आपके सामने पेमेंट वाउचर ही खुला होगा, पर यदि कोई दूसरा वाउचर खुला हो तो देखें राइट पैन में सभी वाउचर्स और उनके नाम के पहले उनके शॉर्टकट्स दिखाई पड़ रहे हैं। पेमेंट वाउचर के लिए F5 की प्रेस करें। ऐसा करते ही पेमेंट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अभी हम डेट पर हैं और डेट में वही तारीख दिखाई पड़ रही है जो हमने करंट डेट में ली थी। यहाँ हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे। मान लीजिए आपको किसी एक ही तारीख में कई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, यानी आपको बार बार डेट बदलने की जरूरत नहीं है, तो फिर बार बार डेट फील्ड पर क्यों जाएं? डेट फील्ड पर जाने से बचने के लिए आपको कॉन्फिगरेशन में कुछ चेंज करना होगा। उसके लिए F12 की प्रेस करें। अब यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यदि नो हो तो बैक स्पेस की से उस पर जाएं और यस टाइप करके एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ दिखाई पड़ रहे ऑप्शन स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन को यस कर दें और फिर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करने से अब ये होगा कि भविष्य में आप जब भी कोई वाउचर बनाएंगे तो डेट फील्ड में कर्सर नहीं आएगा और जब भी आपको वाउचर की डेट बदलना हो तो डेट की शॉर्टकट की है F2, इसे प्रेस करके आप डेट बदल सकते हैं। हमें 2 जून में ही वाउचर बनाना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसमें पर्टिकुलर्स में DR यानी डेबिट ऊपर आ रहा है, जबकि हमने रिसीट वाउचर में यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ देखा था। उसका कारण ये है कि टैली ने हमारी सुविधा के लिए पेमेंट वाउचर में ऊपर डेबिट दिया है। डेबिट में हम जिसे रुपया देते हैं उस लेजर का नाम लेना होता है, जैसे कि कोई पार्टी का अकाउंट या कोई एक्सपेंसेस अकाउंट या फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट हो सकता है। इसके बाद क्रेडिट में हमने जिस तरह से रुपया दिया है, जैसे कैश या बैंक के माध्यम से, तो उसका अकाउंट लेना होता है। ध्यान रखें, पेमेंट वाउचर में जिसे आप पेमेंट देते हैं उसका अकाउंट हमेशा पहले आता है और वो डेबिट होता है, और जिस तरह से यानी जिस माध्यम से रुपया दिया जाता है, जैसे कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से, तो वो बाद में आता है और क्रेडिट होता है। डेट के बाद हम DR पर आ गए हैं। देखिए, राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, पर इसमें राम शर्मा का नाम नहीं है क्योंकि हमने उसका लेजर बनाया ही नहीं है। तो ये लेजर हम यहीं से बना सकते हैं। उसके लिए ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करेंगे। देखिए, लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है। नेम में हम राम शर्मा टाइप कर रहे हैं। और चूंकि हमने ये रुपए उधार दिए हैं, तो हम अंडर में लोन्स एंड एडवांसेस ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि आप ग्रुप का निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं। अब कंट्रोल और ए की से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए, ऐसा करते ही डेबिट में पार्टी का नाम आ गया है। अब यहाँ पर अमाउंट डालना होगा। अमाउंट डाल करके एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर CR दिखाई पड़ रहा है और हमें यही चाहिए। एंटर प्रेस करें। अब यहाँ क्रेडिट में पहले बताए अनुसार लेजर सेलेक्ट करें। हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही हमने जो राशि डेबिट में लिखी थी वही राशि क्रेडिट में भी आ गई है। एंटर प्रेस करें। अब नरेशन में आपने ऊपर जो ट्रांजेक्शन किया है उसका संक्षिप्त विवरण दे दें। हमने यहाँ टाइप किया बीइंग रुपीज 2000 लोन गिवन टू राम शर्मा। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें और अब स्केप की से वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है, 31 जुलाई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3000 रुपए का चेक देकर साइकिल खरीदी। सबसे पहले प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं ये देख लेते हैं। यहाँ साइकिल खरीदी गई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, साइकिल खरीदने के लिए पेमेंट किस तरह से किया गया है। तो वो बैंक का चेक दिया है, यानी पेमेंट बैंक द्वारा किया गया। इस तरह हमने देखा कि ट्रांजेक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, साइकिल अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहाँ हमारा बैंक अकाउंट से तात्पर्य है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। दूसरा सवाल है, खाते किस प्रकार के हैं? देखिए, बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट है और साइकिल का खाता रियल अकाउंट है। हम इसे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से भी कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और साइकिल का खाता रियल अकाउंट है। यहाँ हमने दोनों खाते किस प्रकार के हैं ये कंफर्म कर लिया है। अब तीसरा सवाल, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? साइकिल का खाता रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स के लिए नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ साइकिल आई है मतलब साइकिल अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा खाता है बैंक का और ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ बैंक से पेमेंट किया गया है मतलब देने वाला बैंक अकाउंट है, तो ये क्रेडिट होगा। जैसा कि हमने आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो में बताया था, हम उस तरीके से इसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रांजेक्शन का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक का बैलेंस कम होगा, साथ ही साइकिल खरीदी है तो साइकिल खाते का बैलेंस बढ़ेगा। ये देखिए, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में बैंक का खाता असेट्स के अंतर्गत आता है और इसका नियम है यदि बैलेंस डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करो। अब साइकिल का अकाउंट देखते हैं, ये भी असेट्स में आता है और इसके लिए नियम है यदि बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करो।
इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंफर्म हो गया है कि हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की सहायता से जो निर्णय लिया था वो सही है। चलिए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए वी प्रेस करें। यहाँ पेमेंट वाउचर की विंडो ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले पेमेंट वाउचर का ही उपयोग किया था। यदि नहीं आ रही हो तो उसके लिए F5 की प्रेस करें। देखिए हमारा कर्सर डेट वाले फील्ड में नहीं रुका क्योंकि इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन के समय हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाकर उसे चेंज कर दिया था। यहाँ हमें वाउचर की डेट बदलना है तो उसके लिए F2 की को प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर डेट डाल दें, एंटर प्रेस करें। DR में जिसको या जिस बिहाफ पर पेमेंट किया गया है उस लेजर का नाम सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ हम साइकिल अकाउंट सिलेक्ट करना चाहते हैं पर ये लेजर हमने बनाया नहीं है। नया लेजर बनाने के लिए कंट्रोल और सी कीज को एक साथ प्रेस करें। लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर लेजर का नाम टाइप करें, एंटर प्रेस करें। यहाँ अंडर में फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप सिलेक्ट करें और फिर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए ऐसा करते ही डेबिट में अकाउंट का नाम आ गया है। अब हमें यहाँ अमाउंट डालना होगा, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही नीचे वाली लाइन में यहाँ अपने आप CR लिखा हुआ दिख रहा है, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ क्रेडिट में पहले बताए अनुसार लेजर सिलेक्ट करें। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमने जो राशि डेबिट में लिखी थी वही राशि क्रेडिट में भी आ गई है। अब एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही बैंक एलोकेशन विंडो आएगी जिसमें राइट साइड में एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी और यदि लिस्ट ना दिखाई दे तो स्पेस बार प्रेस करें। यहाँ लिस्ट में कुछ ट्रांजेक्शन टाइप दिखाई पड़ रहे हैं। पेमेंट के अन्य ट्रांजेक्शन टाइप देखने के लिए शो मोर पर क्लिक करें या उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही सभी ट्रांजेक्शन टाइप्स दिखाई पड़ने लगेंगे। इनमें से आपने जिस भी तरह से पेमेंट किया है वो सिलेक्ट करें। हम चेक सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए इंस्ट्रूमेंट नंबर पर आएं। यहाँ आपने जो चेक दिया है उसका नंबर टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस करें। इंस्ट्रूमेंट डेट में जिस तारीख का चेक दिया है वो तारीख टाइप करें। यहाँ बाय डिफॉल्ट वाउचर की तारीख ही आ रही है और यही हमें चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, हमने ट्रांजेक्शन टाइप में चेक सिलेक्ट किया था इसलिए उससे संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। आप जो भी ट्रांजेक्शन टाइप करेंगे यहाँ आपको उससे संबंधित जानकारी देना होगी। तारीख टाइप करने के बाद अब एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यहाँ पर नरेशन टाइप कर दें। Being ₹3,000 paid towards purchase of cycle, YDA State Bank of India, check number 12455. और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। अभी हमने पेमेंट वाउचर में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं उन्हें हम डे बुक में कैसे देख सकते हैं और इन ट्रांजेक्शन्स में हमने जो लेजर उपयोग किए हैं उन पर इन ट्रांजेक्शन्स का क्या प्रभाव पड़ा ये हम आपको सभी वाउचर्स को समझाने के बाद बताएंगे। इस वीडियो में आपने पेमेंट वाउचर के बारे में जाना और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों हर वीडियो में हम कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में उनका शॉर्ट में उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी उपयोगी बात सीखने से वंचित ना रह जाएं, तो कृपया सभी वीडियोस को ऑर्डर में ही देखें।